Hello everyone, welcome to the video lecture of Television Engineering. So in the last video lecture we have seen that we use interlaced scanning to reduce flicker. So we have also seen the advantage of interlaced scanning, disadvantage of interlaced scanning, which was motion artifacts. Means if the scene which is going to be televised, in that if there is very fast motion, means the object is at a very high speed, then we suffer motion artifact. Also interlaced error occurs, ठीक है. और हम लोगों ने देखा था, we have seen scanning period also. We have seen that after each field scanning, means odd field and even field. So once the odd field is scanned or traced, then there is one vertical retrace in which 20 lines are wasted. Okay, so that 20 lines is inactive lines. And again even field scanning starts, and after completion of even field scanning, again there is a vertical retrace of 20 lines. So out of 625 lines, there are total of 40 lines that are inactive. So the remaining 585 lines are the only lines which are active lines. Okay, so now in this in today's lecture we will study about the fine structure, means the resolution, horizontal resolution, vertical resolution, and the need of synchronization. These both are very important topic. So let us see what this is. So fine structure. In fine structure, we will study about resolution. So the ability of image reproducing system to resolve the fine details of the picture distinctly in both horizontal and vertical direction is called resolution. The resolution क्या होता है? ये एक ability होता है किसका? तो एक system का, image reproducing system का. मतलब जैसे हमारा जो raster का जो screen है, ठीक है? वो क्या हुआ, इमेज रिप्रोड्यूस कर रहा है स्क्रीन पे, तो वो एक तरह का इमेज रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम है. तो किसी भी इमेज रिप्रोड्यूसिंग सिस्टम का एबिलिटी, क्या चीज़ का एबिलिटी, तो पिक्चर में जो फाइन डिटेल्स है, फाइन डिटेल्स मतलब माइन्यूट से माइन्यूट चीज जो है, वो कितना डिस्टिंक्टली रिजॉल्व कर लेता है, ठीक है, बोथ डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल में भी, उसको कहते हैं रिजोल्यूशन. ठीक है, तो वर्टिकल रिजोल्यूशन क्या होगा हमारा? वर्टिकल रिजोल्यूशन होगा नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस इनटू केल्स फैक्टर और रिजोल्यूशन फैक्टर. ये हम लोग पढ़े थे पिछले बार, केल्स फैक्टर और रिजोल्यूशन फैक्टर, उसमें हम लोग 0.7 ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 0.69 ले रहे हैं. तो नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस हम लोगों ने अभी देखा है कि 585 होता है, इनटू केल्स फैक्टर में 0.69, तो क्या आ जाएगा, 400 लाइंस. मतलब जो हमारा वर्टिकल रिजोल्यूशन होता है वो 400 लाइंस का होगा. ठीक है, अब आया हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन. हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन क्या होता है? वर्टिकल रिजोल्यूशन इनटू एस्पेक्ट रेशियो. तो वर्टिकल रिजोल्यूशन अभी तुरंत हम लोगों ने देखा क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस इनटू केल्स और रिजोल्यूशन फैक्टर इनटू एस्पेक्ट रेशियो. तो एस्पेक्ट रेशियो भी हम लोग जानते हैं 4:3 होगा, तो हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन क्या हुआ, 533 पिक्सल. हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन का एक दूसरा मीनिंग भी हो सकता है कि ये जो 533 पिक्सल है, दैट मीन्स वी आर डिवाइडिंग आवर पिक्चर इंटू 533 स्मॉल पिक्चर एलिमेंट्स. ठीक है, यहाँ पे अगर ये इस फिगर को हम लोग देखें, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग का हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन 533 पिक्सल्स होना चाहिए. दैट मीन्स ये फर्स्ट, ये टू, ये थ्री, ऐसे ऐसे करते करते हमारा कितना होगा, ये 533 बॉक्स में डिवाइड करेंगे हम लोग पिक्चर को. ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टली है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ही होगा. तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन के डायरेक्शन में हम लोग पिक्चर एलिमेंट, ये जो पूरा फ्रेम है, उसको कितने पिक्चर एलिमेंट में डिवाइड करेंगे, 533 में. तो ये पिक्सल्स या पिक्चर एलिमेंट सेम होता है. ठीक है, अब क्योंकि हम लोग अपने फ्रेम को 533 एलिमेंट्स में डिवाइड कर दिए हैं, तो नाउ टू रिजॉल्व दिस 533 स्क्वायर्स ऑफ पिक्चर एलिमेंट्स, द स्कैनिंग स्पॉट मस्ट डेवलप अ वीडियो सिग्नल स्विचिंग कंटिन्यूअसली अलोंग द लाइन बिटवीन वोल्टेज लेवल्स कॉरस्पॉन्डिंग टू ब्लैक एंड व्हाइट. अब अभी हम लोग एज्यूम क्या किए हैं, इस चीज़ का एनालिसिस करने के लिए हम लोग एज्यूम किए कि चलो हम लोग जो इसमें डिवाइड किए हैं पिक्चर एलिमेंट में, तो ऑल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क पिक्चर एलिमेंट है. ये जो डैश लाइन है वो हम लोग को ब्लैक अगर दिखाता है, नेक्स्ट वाला व्हाइट है, फिर नेक्स्ट ब्लैक है, मतलब ऑल्टरनेट ब्लैक एंड डार्क हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट रखे हैं. तो अभी क्या होगा, अगर हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो वीडियो सिग्नल डेवलप होगा, तो स्कैनिंग में जो स्कैनिंग स्पॉट है, जब स्कैनिंग बीम आएगा, तो वो क्या करेगा, हमारा जो इंटेंसिटी है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलता है, ये हम लोग देख चुके हैं. तो अभी क्या होगा, हम लोग मान लेते हैं कि जहाँ पे भी हमारा डार्क चीज है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारा कुछ इंटेंसिटी जो है पीक व्हाइट लेवल जो है, अगर व्हाइट है तो हमारा इंटेंसिटी ज्यादा रहेगा, लेकिन ब्लैक के लिए क्या रहेगा, इंटेंसिटी कम रहेगा. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट बॉक्स क्या है, ब्लैक है, तो ब्लैक के लिए हम लोग ये नो करंट. ठीक है, फिर व्हाइट आया, मतलब ब्राइट स्क्रीन आया, तो ब्राइट स्क्रीन के लिए करंट बढ़ गया.
फिर क्या हुआ, नेक्स्ट क्या है, ब्लैक है इसलिए वापस से ये लो हो जाएगा, फिर व्हाइट आया तो व्हाइट के लिए हाई हो जाएगा। तो हम लोग को क्या करना है कि ये अल्टरनेट जो स्क्वायर हम लोग किए हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसको अगर हम लोग चाहते हैं कि डिस्टिंक्टली हम लोग रिजॉल्व करें, तो हमारा वीडियो सिग्नल कैसा होना चाहिए, स्क्वायर वेव जैसा होना चाहिए, ठीक है, जो कि कंटिन्यूअसली ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में स्विच करता हो, ब्लैक के लिए जीरो लेवल, व्हाइट के लिए पीक लेवल, ठीक है। अब किसी भी पीरियोडिक वेव का, इस वेव का अगर हम बोलेंगे कितना साइकिल है, तो साइकिल कैसे पता करेंगे, साइकिल मतलब एक साइकिल वो होता है जिसके जिस टाइम पीरियड के बाद वेव खुद को रिपीट करे। तो अभी एक साइकिल क्या होगा, अभी ऐसे ऐसे यहाँ पे 533 पिक्चर एलिमेंट है, तो मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे होगा। फर्स्ट ब्लॉक के लिए ये वाला चीज आएगा इतने दूर तक का जो चीज है, सेकेंड के लिए ये वाला आया, थर्ड के लिए ये वाला आया, तो ऐसे से करके कितना ये अप्स एंड डाउन होगा स्क्वायर वेव में, 533 बार चेंज होगा, एक बार अप एक बार डाउन, एक बार अप एक बार डाउन, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितना है, जो स्क्वायर वेव है उसका कितना साइकिल स्क्वायर वेव है, तो साइकिल क्या होगा, ये दो चीज से बनेगा, 1 और 2, ये दोनों को मिला करके एक साइकिल बनेगा वेव का। वेव में टाइम पीरियड पढ़े होगे तुम लोग, तो इस वेव का अगर देखोगे कि टाइम पीरियड कितना है, तो क्या होगा, अगर यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो ये इतना दूर जो है ये हो गया टाइम पीरियड, क्योंकि इसके बाद वेव खुद को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो इसका कितना साइकिल होगा, दो मिला रहे हैं तो एक साइकिल हो रहा है, तो दैट मीन्स ऐसा ऐसा हमारे पास कितना है, 533 है, तो दैट मीन्स कि अलोंग वन लाइन कितना कंप्लीट साइकिल है स्क्वायर वेव का, 533 डिवाइडेड बाय 2, मतलब 267 कंप्लीट साइकिल है। तो 267 कंप्लीट स्क्वायर वेव साइकिल मतलब एक साइकिल कैसा होगा, ये ब्लैक के लिए है, ठीक है, और ये व्हाइट के लिए, ये एक साइकिल हुआ, ठीक है। फिर उसी तरह ये ब्लैक के लिए, ये व्हाइट के लिए, दो साइकिल हो गया, दो साइकिल हम बनाए, लेकिन कितना इसमें आया, ये फर्स्ट ब्लैक बॉक्स के लिए, ये व्हाइट बॉक्स के लिए, ब्लैक बॉक्स के लिए, व्हाइट बॉक्स के लिए, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि मेरे पास चार जो है ये था अल्टरनेट जो ब्राइट एंड डार्क लेवल था, लेकिन अगर साइकिल देखेंगे हम लोग कि स्क्वायर वेव का साइकिल कितना है, तो साइकिल तो ऐसे होगा, ये इतना दूर एक साइकिल है, ये दूसरा साइकिल है, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या पता चला कि ये जो स्क्वायर वेव है, वो वीडियो जो सिग्नल है, वो हम लोग कोशिश करेंगे कि वो स्क्वायर वेव में हो, और जो नंबर ऑफ साइकिल्स कितना लग रहा है स्क्वायर वेव को, 267, ठीक है। मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन, जो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको स्कैन करेगा, तो हमारा कितना साइकिल्स ऑफ स्क्वायर वेव प्रोड्यूस होगा, 267, ठीक है। तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन स्क्वायर वेव साइकिल क्या होगा, तो टाइम ड्यूरेशन ऑफ वन स्क्वायर वेव साइकिल क्या होगा, 52 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 267, क्योंकि अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, 267 साइकल्स कितना टाइम लगा रहा है, 52 माइक्रोसेकंड, क्योंकि जब एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस हो रहा है, ठीक है, उसी बीच ये वाला सिग्नल जनरेट हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल ट्रेस हुआ तो ये सिग्नल जनरेट हुआ, तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस हम लोग जानते हैं 52 माइक्रोसेकंड टाइम लेता है, तो दैट मीन्स 52 माइक्रोसेकंड में कितना स्क्वायर वेव का साइकिल हुआ, 267 साइकिल आया, ठीक है। तो एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा, 267 साइकिल को 52 माइक्रोसेकंड लगता है, तो एक साइकिल को कितना लगेगा, 52 डिवाइडेड बाय 267, ठीक है। तो मतलब टाइम ड्यूरेशन, ये जो हमारा वीडियो सिग्नल जनरेट होगा उसका टाइम ड्यूरेशन, टाइम पीरियड कितना होगा, 52 डिवाइडेड बाय 267। तो सिमिलर वे में अगर टाइम, अब टाइम हम लोग को पता चल गया, तो इससे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है 52 माइक्रोसेकंड डिवाइडेड बाय 267, तो अभी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, 267 डिवाइडेड बाय 52 माइक्रोसेकंड। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 मेगाहर्ट्ज़, मतलब जो हमारा वीडियो सिग्नल होता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 5 मेगाहर्ट्ज़ का होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो जो भी हमारा वीडियो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी 5 मेगाहर्ट्ज़ का होता है, और इन मोनोक्रोम टीवी रिक्वायर्ड बैंडविड्थ फॉर वीडियो सिग्नल इज 5 मेगाहर्ट्ज़, ठीक है। बैंडविड्थ भी हम लोग को 5 चाहिए, और जो वीडियो सिग्नल हम लोग को मिलता है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 5 मेगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, फाइन स्ट्रक्चर में हम लोग क्या किए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रिजोल्यूशन लिए हैं। वर्टिकल रिजोल्यूशन का फॉर्मूला ये है, नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस इनटू के, और हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन क्या होता है, वर्टिकल रिजोल्यूशन इनटू एस्पेक्ट रेशियो। अब हम लोग ये देखें कि हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन जो है वो 533 पिक्सल्स है, दैट मींस कि हॉरिजॉन्टली जब स्कैनिंग बीम स्कैन करेगा तो कितने पिक्चर एलिमेंट को स्कैन करेगा, 533 पिक्चर एलिमेंट्स को, ठीक है। अब 533 पिक्चर एलिमेंट्स में हम लोग ये अज्यूम किए कि चलो हर एक पिक्चर एलिमेंट जो है वो ऑल्टरनेट ब्लैक एंड व्हाइट है, तो ब्लैक के लिए अगर हम लोग जीरो लेवल करंट लेते हैं, व्हाइट के लिए अगर हाईएस्ट लेवल करंट लेते हैं,
तो अभी क्या होगा, मेरा करंट क्या होगा, ब्लैक के लिए ये यहाँ पे स्कैनिंग बीम जा रहा तो ये जीरो होगा, फिर व्हाइट आया तो हाईएस्ट करंट, फिर नेक्स्ट ब्लॉक ब्लैक है तो ये जीरो हो जाएगा, फिर व्हाइट के लिए हाई हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके मेरा वीडियो सिग्नल जनरेट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो वीडियो सिग्नल 533 एलिमेंट के लिए कितना साइकिल्स हो रहा है, तो एक साइकिल जो है इस स्क्वायर वेव का ये ऐसा है, ठीक है, एक साइकिल में ये दो एलिमेंट आ रहा है, तो 533 एलिमेंट है, दैट मीन साइकिल्स कितना है, ऑलमोस्ट 267 कंप्लीट साइकिल है। किसमें, तो एक बार हॉरिजॉन्टल ट्रेस करने में। तो हम लोगों को क्या पता चला कि 267 साइकिल्स जो है वीडियो सिग्नल का आता है 52 माइक्रो सेकंड में, तो एक साइकिल का टाइम पीरियड कितना होगा, 52/267। तो इसी से हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे तो 1/टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी आ जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज़। तो ये था फाइनल स्ट्रक्चर के बारे में। अब एक इस पे न्यूमेरिकल भी आता है कि कैलकुलेशन ऑफ हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी, मतलब जो हमारा टीवी सिस्टम है उसमें हाईएस्ट कितना फ्रीक्वेंसी हम लोग ले सकते हैं मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या रहता है, हाईएस्ट एफ एच मीन्स हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू नंबर ऑफ एक्टिव लाइन इंटू एस्पेक्ट रेशियो इंटू रिजोल्यूशन फैक्टर डिवाइडेड बाई 2 इंटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 एक्टिव लाइन, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करना होगा। तो अभी अगर हम लोग देखें कि 625 लाइन वाला जो हमारे पास सिस्टम है उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एक्टिव लाइंस कितना रहता है, हम लोग जानते हैं 585 रहता है, एस्पेक्ट रेशियो हम लोग जान रहे हैं 4:3 रहता है, रिजोल्यूशन फैक्टर हम लोग 0.69 ले रहे हैं, 2 कॉन्स्टेंट है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 एक्टिव लाइन हम लोग देखे हैं 52 माइक्रो सेकंड रहता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5 मेगाहर्ट्ज़। तो हम लोग अभी देखे भी हैं कि हमारा जो वीडियो सिग्नल का जो फ्रीक्वेंसी था वो कितना था, 5 मेगाहर्ट्ज़। 5 मेगाहर्ट्ज़ से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमारा जो टीवी सिस्टम है 625 लाइन वाला वो सपोर्ट नहीं कर सकता है, ठीक है, क्लियर है। इसमें बेस न्यूमेरिकल भी आता है कि अगर इसमें या नंबर ऑफ लाइंस चेंज कर देगा टीवी का, या फिर रिजोल्यूशन फैक्टर चेंज हो जाएगा, कभी एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर देगा और बोलेगा कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए। तो अभी लेक्चर के लास्ट में हम दिखाएंगे भी कि कुछ क्वेश्चन है जो कि इस पे बेस्ड है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है नीड ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। बहुत सारे लोग को डाउट था जब हम लोग ट्रांसमीटर टीवी ट्रांसमीटर पढ़ रहे थे कि एक्चुअली में सिंक्रोनाइजेशन जो सर्किट उसमें लगा हुआ है उसका काम क्या है, ठीक है। तो अभी काम क्या होता है सिंक्रोनाइजेशन का, कि मान लो कि कोई पिक्चर है, तुम्हारा कैमरा ट्यूब ये वाला पॉइंट को स्कैन कर रहा है, तो तुम क्या चाहते हो कि ये जो कोऑर्डिनेट जो स्कैन है, ठीक है, वही कोऑर्डिनेट यहाँ पे आए, ठीक है, मतलब सिंक्रोनाइजेशन रहे फॉर अनडिस्टॉर्टेड पिक्चर, मतलब कि जिस पिक्चर में डिस्टॉर्शन नहीं हो, क्या होना चाहिए, सेम कोऑर्डिनेट शुड बी स्कैन एट एनी इंस्टेंट बोथ एट द कैमरा ट्यूब टारगेट प्लेन एंड एट द रास्टर ऑफ पिक्चर ट्यूब। मतलब यहाँ पर हम जो चीज स्कैन कर रहे हैं इससे रिलेटेड जो वीडियो सिग्नल जाएगा वो एग्जैक्टली सेम कोऑर्डिनेट पे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हम स्कैन किए हैं वो जा करके इस साइड आ जाए तो फिर पिक्चर डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो सिंक्रोनाइजेशन सर्किट क्या करता है, ये इंश्योर करता है कि हम जो भी कोऑर्डिनेट स्कैन कर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सेम कोऑर्डिनेट पे जाए, कहाँ पे, जो पिक्चर ट्यूब है हमारा, कैमरा ट्यूब के इसमें क्या होगा, स्कैनिंग होगा, और स्कैन हुआ हुआ चीज कहाँ दिखेगा, पिक्चर ट्यूब में, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजेशन सर्किट का काम क्या होता है कि दैट इंश्योर्स दैट द सेम कोऑर्डिनेट्स आर स्कैंड एंड आर शोन एट पिक्चर ट्यूब, ठीक है, जो भी कोऑर्डिनेट स्कैन हो रहा है सेम कोऑर्डिनेट, जो पिक्चर ट्यूब का भी सेम कोऑर्डिनेट पे जाकर के वो इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन आएगा स्क्रीन पे, ठीक है। तो टू इंश्योर परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन द सीन बीइंग टेलीवाइज्ड एंड द पिक्चर प्रोड्यूस ऑन रास्टर, सीन बीइंग टेलीवाइज्ड मतलब जो चीज हम जो सीन को हम लोग यहाँ पे स्कैन कर रहे हैं, ठीक है, एंड द पिक्चर प्रोड्यूस्ड ऑन द रास्टर मतलब जब स्कैन करने के बाद यहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रांसमिट हो जाता है और रिसीवर एंटेना यहाँ पे रिसीव करके क्या करता है, पिक्चर ट्यूब को भेजता है जो भी पिक्चर इन्फॉर्मेशन रहता है। तो ये हो गया पिक्चर प्रोड्यूस्ड ऑन रास्टर, रास्टर मतलब टीवी का जो स्क्रीन रहता है, तो यहाँ पे पिक्चर प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि सिंक्रोनाइजेशन हो, मतलब अगर स्कैनिंग यहाँ हो रहा है तो वो वाला इन्फॉर्मेशन यहीं पे प्रोड्यूस हो, ठीक है। तो अगर ऐसा परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन हम लोग चाहते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि सिंक्रोनाइजिंग पल्स भेजते हैं, किस टाइम में, रीट्रेस के टाइम में, ट्रेस के टाइम में नहीं भेजते हैं क्योंकि ट्रेस के टाइम में तो इन्फॉर्मेशन स्कैन होता है, उस टाइम में अगर सिंक्रोनाइजिंग पल्स भेजेंगे तो क्या होगा, हमारा कुछ इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगा, ज्यादा इन्फॉर्मेशन स्कैन नहीं कर पाएगा क्योंकि 52 माइक्रो सेकंड का टाइम रहता है, उसमें कुछ टाइम तो सिंक्रोनाइजिंग पल्स ले लेगा, ठीक है। तो सिंक्रोनाइजिंग पल्स किस टाइम में हम लोग भेजते हैं, रीट्रेस के टाइम में, क्योंकि रीट्रेस के टाइम में तो ऐसे भी इन्फॉर्मेशन स्कैन नहीं होता है,
तो सिंक्रोनाइजेशन इंश्योर करने के लिए, मतलब कि प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन हो, इसीलिए हम लोग सिंक्रोनाइजिंग पल्स भेजते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, कब भेजते हैं? रिट्रेस के टाइम में, ठीक है। दस द रेडिएटेड सिग्नल एट ट्रांसमीटर इक्वल्स टू पिक्चर डिटेल्स प्लस सिंक पल्स। सिंक इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ सिंक्रोनाइजिंग पल्स, ठीक है। तो जो भी हमारा ट्रांसमिट एंटेना से रेडिएट होता है सिग्नल UHF और VHF में, वो क्या रेडिएट होता है? जो रेडिएटेड सिग्नल रहता है उसमें पिक्चर डिटेल तो रहता ही है, मतलब पिक्चर प्लस साउंड जो रहता था वो तो रहता ही है, साथ में सिंक्रोनाइजिंग जो सिंक पल्स रहता है वो भी रहता है, ठीक है। सिंक पल्स कहाँ रहता है? रिट्रेस टाइम में रहता है। तो जो भी हम लोग यहाँ से जो सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, उस सिग्नल में पिक्चर डिटेल रहता है, साउंड डिटेल रहता है, साथ में सिंक पल्स भी रहता है, ठीक है। दीज पल्सेज आर डिस्टिंक्ट फॉर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मोशन कंट्रोल एंड आर प्रोसेस्ड एट द रिसीवर एंड फेड टू द पिक्चर ट्यूब सर्किटरी। मतलब ये जो सिंक्रोनाइजिंग वाला चीज है वो सर्किट भी अलग अलग होता है, मतलब हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन सर्किट अलग है, वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन सर्किट अलग है। जिस तरह से हमारे पास जो स्वीप सर्किटरी था वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए अलग अलग था, ठीक है। स्वीप सर्किटरी क्या करता था? हमारा जो स्कैनिंग बीम है, ये वर्टिकल स्वीप सर्किटरी क्या करेगा? स्कैनिंग बीम को वर्टिकल डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, मतलब ये मदद करेगा कि हमारा जो स्कैनिंग जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको टॉप से बॉटम की तरफ ले जाए। और हॉरिजॉन्टल स्वीप सर्किटरी क्या करता है? जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको पुश करता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये दोनों V और H, जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल स्वीप सर्किटरी, वो दोनों साथ में काम करता है। तो साथ में काम करने से क्या होता है? हॉरिजॉन्टल वाला ये चीज इसको आगे बढ़ाता है, ठीक है। और वर्टिकल वाला क्या करेगा? जब ये रिट्रेस करता है तो वर्टिकल वाला तब तक में इसको थोड़ा सा नीचे कर देता है, फिर यहाँ से ये हॉरिजॉन्टल करता है, फिर ये वापस आता है तो थोड़ा नीचे कर देता है हॉरिजॉन्टल। इस तरह से हमारा जो है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन साथ में होता है। तो जिस तरह से स्वीप सर्किटरी दोनों के लिए अलग अलग था, उसी तरीके से जो सिंक्रोनाइजेशन सर्किटरी है वो भी हॉरिजॉन्टल सिंक्रोनाइजेशन और वर्टिकल सिंक्रोनाइजेशन के लिए अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 4.7 माइक्रोसेकेंड, और फ्रीक्वेंसी तो सेम रहता है। पहले भी हमारा जो हॉरिजॉन्टल जो स्वीप फ्रीक्वेंसी था वो कितना था? 15625 हर्ट्ज, और वर्टिकल फ्रीक्वेंसी कितना था? 50 हर्ट्ज। इंटरलेस्ड में हम लोग 50 फ्रेम्स यूज करते हैं, इसलिए फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा सिंक पल्स का भी, ठीक है। और टाइम पीरियड कितना हो गया हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स का? 4.7 माइक्रोसेकेंड, और वर्टिकल सिंक पल्स का 160 माइक्रोसेकेंड। जो नेक्स्ट हमारा ये है टॉपिक है वो है कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो उसमें हम लोग डिटेल में देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल सिंक पल्स 4.7 माइक्रोसेकेंड का क्यों है, या वर्टिकल 160 माइक्रोसेकेंड का क्यों है, या सिंक्रोनाइजिंग पल्स हम लोग कहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ये हम लोग नेक्स्ट जब कंपोजिट वीडियो सिग्नल वाला टॉपिक पढ़ेंगे उसमें डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये वाला जो मॉड्यूल था हमारा एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर डिटेल्स, इसमें हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा और बहुत कुछ सीखा। आई होप कि आप लोग एक बार फिर से ये सारा वीडियो रिवाइज करोगे, एक साथ देख लोगे तो वो पूरा एक स्टोरी जैसा बन जाएगा दिमाग में, और आप लोगों के लिए समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो हम लोग कुछ क्वेश्चंस इसमें एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई स्कैनिंग नेसेसरी इन टीवी ट्रांसमिशन, स्कैनिंग क्यों जरूरी है टीवी ट्रांसमिशन में, ये हम लोगों ने देखा है। व्हाई इट इज कैरीड आउट एट अ फास्ट रेट, इसको हम लोग फास्ट रेट में क्यों कैरी करते हैं, स्लो क्यों नहीं होता है स्कैनिंग, स्लो होगा तो क्या प्रॉब्लम होगा। सेकंड है व्हाई आर सिंक्रोनाइजिंग पल्सेस ट्रांसमिटेड अलोंग द पिक्चर सिग्नल, मतलब अभी हम लोग डिस्कस किए हैं कि सिंक पल्स हम लोग क्यों ट्रांसमिट करते हैं पिक्चर सिग्नल के साथ, ताकि हम लोग इंश्योर कर सके कि प्रॉपर ट्रांसमिशन प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन है किसके बीच में, जो भी पिक्चर हम लोग टेलीवाइज कर रहे हैं उसके बीच में, और जो भी पिक्चर वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है रास्टर पे उसके बीच में, ठीक है। थर्ड है जस्टिफाई द चॉइस ऑफ रेक्टेंगुलर फ्रेम विथ विड्थ टू हाइट रेशियो 4:3, मतलब हम लोग क्यों 4:3 लिए हैं एस्पेक्ट रेशियो, इसको जस्टिफाई करना था, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ हाउ इज द इल्यूजन ऑफ कंटिन्यूटी क्रिएटेड इन टेलीविजन पिक्चर, ये भी डिस्कस कर कैसे किए हैं। हमारा परसिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है कि हमारे रेटिना पे कुछ भी जो इंसिडेंट लाइट होता है वो कब तक परसिस्ट करता है, 1/16th ऑफ अ सेकंड तक, ठीक है, तो उसको एक्सप्लेन करना है। फ्रेम रिसेप्शन रेट जो है हमारा वो 25 रखे हैं, 24 नहीं रखे हैं, क्यों? क्योंकि हमारा जो पावर सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 50 हर्ट्ज का है, तो अगर 50 के मल्टीपल में हम लोग रखेंगे तो हम लोगों को कैलकुलेशन में ज्यादा आसानी होगा, इसीलिए 25 रखें। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरलेस्ड स्कैनिंग, हम लोग बता चुके हैं। शो दैट इट रिड्यूसेस फ्लिकर एंड कंजर्व बैंडविड्थ, फ्लिकर कैसे रिड्यूस करता है, क्योंकि इसका जो रिट्रेस टाइम होता है वो बहुत कम हो जाता है, स्पीड बढ़ जाता है, इसलिए जो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क स्क्रीन आता था वो अब नहीं आता है। बैंडविड्थ कैसे कंजर्व करता है, कंजर्व मतलब बचाना, ठीक
ठीक है, तो बैंडविड्थ कैसे बचता है, हम लोग पहले 625 लाइंस को स्कैन करते थे और एक साथ 625 लाइंस का भेजते थे, लेकिन अभी इसमें क्या हो रहा है कि हम लोग हाफ भेज रहे हैं, बिल्कुल 312.5 लाइंस। पहले ऑड जो स्कैनिंग होता है वो उसका चला जाता है सिग्नल, उसके बाद फिर हम लोग इवन वाला करते हैं, तो एक बार में कितना लाइंस का इन्फॉर्मेशन जाता है, 312.5। ठीक है, तो दैट मीन्स हम लोग बैंडविड्थ बचाए। सिक्स्थ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्टिव एंड ब्लैंकिंग पीरियड्स। ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग छोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ अगर डेटा लिखना होगा कि गिव द पीरियड्स ऑफ नॉमिनल एक्टिव एंड रिट्रेस इंटरवल, तो ये आप लोग को पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्कैनिंग में ट्रेस इंटरवल कितना होता है, रिट्रेस कितने टाइम के लिए होता है, लेकिन हाँ एक्टिव और ब्लैंकिंग पीरियड जो है, ब्लैंकिंग पीरियड बेसिकली हम लोग डिटेल में जो नेक्स्ट हमारा कंपोजिट वीडियो सिग्नल है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी हॉरिजॉन्टल लाइंस गेट ट्रेस्ड ड्यूरिंग ईच वर्टिकल रिट्रेस। रिट्रेस के टाइम में कितना हॉरिजॉन्टल लाइन ट्रेस होता है, एक्टिव नंबर ऑफ लाइंस क्या होता है, पिक्चर इन्फॉर्मेशन को पिकअप और रिसीव करने में। नेक्स्ट है, जस्टिफाई द चॉइस ऑफ 625 लाइंस। हम लोग 625 लाइंस क्यों चूज किए, ये हम लोग पढ़े थे कि हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से क्या रहा था, 860। फिर हम लोग देखे कि 500 लाइंस से अगर ज़्यादा करते हैं तो भी बहुत ज़्यादा असर कुछ पड़ता है नहीं, अगर 800 में बहुत अच्छा रिजोल्यूशन आता है और बहुत अच्छा सब चीज़ रहता है, लेकिन क्या होता है कि 500 से जैसे जैसे हम लोग लाइंस बढ़ाते हैं तो उतना कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होता है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ऐसा नंबर लेते हैं जो कि 500 से 800 के बीच में हो। हम लोग ये भी देखें कि 70% ऑफ लाइंस ही जो होता है वो डिस्टिंक्टली रिजॉल्व होता है, बाकी 30% मर्ज हो जाता है स्कैनिंग के टाइम में, जो स्कैनिंग बीम जो स्पॉट है वो मर्ज हो जाता है। तो ऐसे जो कैलकुलेशन था हमारा उससे आ जाएगा 625। अगर व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ चूजिंग द नंबर ऑफ लाइंस एज 625 एंड नॉट 623 और 627, तो वो इसलिए क्योंकि अभी हम लोग बताए हैं कि हम लोग का जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हम लोग 25 ले रहे हैं, तो 25 के मल्टीपल्स में लेते हैं 625। ठीक है, तो बस कैलकुलेशन के हमारा इजी रहे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिजोल्यूशन और केल फैक्टर, ये हम लोग बता चुके हैं। हाउ डज इट अफेक्ट द वर्टिकल रिजोल्यूशन, अभी तुरंत फॉर्मूला में हम लोग देखे हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रिजोल्यूशन, ये हम लोग देख चुके हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी इन अ टीवी सिस्टम एंड शो दैट इट इज नियरली 5 मेगाहर्ट्ज। ये जस्ट अभी हम लोग देखे हैं कि जो FH का फॉर्मूला था उसमें 625 सिस्टम के लिए ही, जो स्लाइड में जो मैंने दिखाया है वो ये 625 लाइन सिस्टम के लिए ही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, शो दैट 625 BTV सिस्टम इज ओनली मार्जिनली सुपीरियर टू 525 लाइन अमेरिकन सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी नहीं है ये क्वेश्चन करना, लेकिन फिर भी 525 ये कह रहा है कि जो अमेरिकन सिस्टम है उससे हम लोग को ये शो करना है कि हमारा जो 625 लाइन वाला सिस्टम है वो बस थोड़ा सा ही अच्छा है 525 के, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे 100 बढ़ रहा है, अमेरिकन सिस्टम में 525 लाइंस ही है लेकिन हमारे हम लोग ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम होना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जो 525 लाइंस अमेरिकन सिस्टम है उसमें जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, 60 हर्ट्ज़ का है, ठीक है, तो उसका स्पीड ज़्यादा है, इसीलिए नंबर ऑफ लाइन अगर कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग देखेंगे कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल फ्रीक्वेंसी 15625 आ रहा था, अमेरिकन सिस्टम में 15750 समथिंग आता है, तो बहुत ज़्यादा का कोई अंतर रहता नहीं है। क्यों? क्योंकि 625 हमारे सिस्टम में क्या होता है, हम लोग नंबर ऑफ लाइन्स बढ़ाते हैं और फ्रीक्वेंसी जो है हमारा कम है, 50 ही है, लेकिन इनके में क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स कम है लेकिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो वो एडजस्ट हो जाता है आपस में। व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय इंटरलेस एरर एंड हाउ डज इट अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ पिक्चर, ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इंटरलेस एरर क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज इंटरलेस एरर व्हेन द सेकंड फील्ड इज डिलेड बाय 8 माइक्रोसेकंड। सेकंड फील्ड इज डिलेड बाय 8 माइक्रोसेकंड, मतलब क्या हुआ कि अगर ये मेरा स्क्रीन है तो ये ए पॉइंट होता था और ये बी पॉइंट होता था, मतलब सेकंड फील्ड को यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था और ये होता था 32 माइक्रोसेकंड का, ये भी होता था 32 माइक्रोसेकंड का। अब क्या बोल रहा है कि सेकंड फील्ड जो है 8 माइक्रोसेकंड से डिले हो गया, मतलब मान लेते हैं कि यहाँ से शुरू हुआ तो ये वाला जो चीज़ है वो 8 माइक्रोसेकंड है, इसको शुरू होना चाहिए था यहाँ से लेकिन 8 माइक्रोसेकंड डिले से हुआ, तो कितना जो एरर है, तो एरर में क्या हो गया, ओरिजिनल कितना इससे इस दोनों में डिस्टेंस होना चाहिए था ए और बी में, सेकेंड पॉइंट के स्टार्टिंग में 32 माइक्रोसेकंड का, ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, एरर कितना का आ रहा है, 8 माइक्रोसेकंड का, ठीक है, क्योंकि होना चाहिए था 32, अभी कितना है 40, तो एरर कितना का है, 8 माइक्रोसेकंड का, परसेंटेज निकालना है इसलिए 100, तो ये क्या हो जाएगा 25%, मतलब कि अगर 8 माइक्रोसेकंड से
सेकेंड जो इवेंट फील्ड है वो डिले होता है, तो हमारा जो इंटरलेस एरर आता है वो कितना परसेंट आएगा? 25%। ठीक है, अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है उसमें FH निकालना है, जो हाईएस्ट मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी था, उसमें सारा कुछ दिया हुआ है, नंबर ऑफ लाइंस दिया हुआ है, इंटरलेस रेशियो है, पिक्चर रिपीटिशन रेट दिया हुआ है। पिक्चर रिपीटिशन रेट मतलब 50 per second, मतलब 50 frames per second। ठीक है, एस्पेक्ट रेशियो दिया है, वर्टिकल रिट्रेस टाइम क्या है? 10% ऑफ पिक्चर फ्रेम टाइम। तो पिक्चर फ्रेम टाइम कैसे निकालेंगे? 1/time निकालना है, तो 1/frequency हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल रिट्रेस टाइम क्या होगा? 20% ऑफ टोटल लाइन टाइम। और रिजोल्यूशन फैक्टर हम लोग अभी 0.69 ले रहे थे, अब क्या लेना है? 0.8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 2 MHz। जो ट्राई करना चाहिए तो कर सकते हैं। तो ये सारा क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग कोशिश करो बनाने का, और बन जाना चाहिए। नहीं भी बनेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग डिस्कस कर सकते हैं क्लास में। तो ये था हमारा इसमें जो सब टॉपिक 2 है उसके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से हम लोग शुरू करेंगे कंपोजिट वीडियो सिग्नल। तो अभी तक का हमारा जो हम लोगों ने अभी पढ़ा है वो फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था एलिमेंट्स ऑफ टीवी सिस्टम, जिसमें कि टीवी ट्रांसमीटर, टीवी रिसीवर और रिसीवर कंट्रोल था। और इस टॉपिक, ये वाला जो हमारा सब टॉपिक था एनालिसिस एंड सिंथेसिस ऑफ टीवी पिक्चर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए हम लोगों ने बहुत ज़्यादा टाइम इस पर दिया है, क्योंकि हम लोगों को ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाता था कि एक्चुअली में स्कैनिंग क्यों चाहिए, स्कैनिंग कैसे होता है, स्कैनिंग का क्या डिसएडवांटेज एडवांटेज है, इंटरलेस्ड स्कैनिंग क्या होता है। ठीक है, तो ये वाला जो सब टॉपिक है ये खत्म होता है। सो विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।